गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, इन क्लास 11th टुडे वी विल डिस्कस द नेक्स्ट टॉपिक फिजिकल क्वांटिटीज। तो फिजिकल क्वांटिटी क्या होती हैं? ऑल क्वांटिटीज इन टर्म ऑफ विच लॉज ऑफ फिजिक्स कैन बी एक्सप्रेस्ड, वो सभी क्वांटिटीज जहां पर हम फिजिक्स के लॉज को एक्सप्रेस कर सकें, डिफाइन कर सकें, एंड विच कैन बी मेजर्ड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, जहां पर हम इनको डायरेक्ट या इनडायरेक्ट फॉर्म में मेजर कर सकें, उनको बोलते फिजिकल क्वांटिटीज। जैसे बात करें हम लेंथ की, मास की, टाइम की, एरिया, फोर्स, डिस्प्लेसमेंट एट्सेट्रा, तो ये सारी की सारी क्या है? फिजिकल क्वांटिटी है, जिनको हम डायरेक्ट या इनडायरेक्ट फॉर्म में मेजर कर सकते हैं, तो उनको बोलते फिजिकल क्वांटिटी। कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है विच कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स, तो फिजिकल क्वांटिटी में क्या होते हैं? टू पार्ट्स होते हैं। जैसे हम बात करें कोई भी फिजिकल क्वांटिटी, दो चीज़ें होंगी, एक तो उसका नंबर और दूसरी उसकी यूनिट, ठीक है। मान लिया कोई भी फिजिकल क्वांटिटी हम उसको क्यू से नोट करते हैं, ठीक है, तो वो क्यू किसके इक्वल होगा? न्यूमेरिकल वैल्यू उसकी या नंबर, और दूसरे उसकी यूनिट। जैसे हम एग्जांपल के लिए मान लेते हैं लेंथ है, तो लेंथ क्या होगी? एक फिजिकल क्वांटिटी होगी। किसके इक्वल होगी? मान लिया 3 मीटर, तो 3 मीटर क्या है? उसका मैग्नीट्यूड है, उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू है, और मीटर क्या है? उसकी यूनिट, ठीक है। एरिया की बात करें 10 मीटर स्क्वेयर, तो उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू और ये उसकी ड्राइव्ड यूनिट्स होगी, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि जो दो पार्ट्स हैं, नंबर वन क्या है? द नेम ऑफ द यूनिट इन विच इट इज एक्सप्रेस्ड, तो किस यूनिट को हम, उसका नाम क्या है? जैसे लेंथ है तो लेंथ होगी, नेम हो गया है ना, विच इज एक्सप्रेस्ड, ठीक है। तो इसको किस में मेजर करते हैं? मीटर में। दूसरा द नंबर ऑफ टाइम्स, कि हम उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू की बात करेंगे, दैट यूनिट इज कंटेंड इन ए पर्टिकुलर फिजिकल क्वांटिटी, यानी उसका नंबर क्या है, ठीक है। तो हमारे पास कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है तो हम दो चीज़ें लिखेंगे उसमें, न्यूमेरिकल वैल्यू एंड इट्स यूनिट, ठीक है। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, क्यू को क्यू, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है, n1 क्या है? मान लिया हम जैसे लेंथ है उसको मीटर में भी मेजर कर सकते हैं, किलोमीटर में भी, सेंटीमीटर में भी, मिलीमीटर में भी, ठीक है। तो हम उसको लिख देंगे फर्स्ट सिस्टम ऑफ यूनिट में, उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू क्या है और यूनिट क्या है, और सेकंड में क्या लिख सकते हैं? n2 और u2, ठीक है। हम जैसे लिखें मान लिया 10 मीटर, ठीक है, तो फर्स्ट सिस्टम में उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू क्या है? 10 यूनिट, और यहाँ पर यूनिट क्या है? मीटर, ठीक है। अगर हम इसको सेंटीमीटर में चेंज करें, तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो 10 में क्या होंगे? 1000 सेंटीमीटर हो गए, ठीक है। तो ये सेंटीमीटर हमारी क्या है? सेकंड सिस्टम में न्यूमेरिकल वैल्यू, और ये यूनिट। तो हमें याद रखना है कि जो न्यूमेरिकल वैल्यू है, अगर वो छोटी है तो यूनिट बड़ी होगी, ठीक है। अगर न्यूमेरिकल वैल्यू बड़ी है तो उसकी यूनिट छोटी होगी, लेकिन वो क्वांटिटी उतनी ही रहेगी, उसमें कोई चेंज नहीं होता, ठीक है बेटा। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। अगर कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है हम उनको मेनली दो तरह से डिफाइन करते हैं, नंबर वन स्केलर क्वांटिटी और नंबर टू वेक्टर क्वांटिटी। तो स्केलर क्वांटिटी क्या होती है? जिन क्वांटिटीज़ में ओनली मैग्नीट्यूड की बात करते हैं, केवल उनकी मात्रा की बात करते हैं, क्वांटिटी की बात करते हैं, तो उनको बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी। यहाँ पर कभी भी डायरेक्शन की बात नहीं की जाती, तो हम कह सकते हैं दोज क्वांटिटी विच हैव ओनली मैग्नीट्यूड बट नो डायरेक्शन आर कॉल्ड स्केलर क्वांटिटी। फॉर एग्जाम्पल लेंथ है, तो लेंथ की बात करते हैं, हम कभी भी वहाँ पर डायरेक्शन की बात नहीं करते, ठीक है, आए समझ में। और दूसरा है हमारे पास टाइम, जब टाइम है तो टाइम क्या है हमारे पास? एक स्केलर क्वांटिटी है। वर्क है, वर्क भी एक स्केलर क्वांटिटी है। एनर्जी है, हम ये तो नहीं कहते भाई एनर्जी है वो किस डायरेक्शन में है, वर्क है वो किस डायरेक्शन में है, ठीक है। तो केवल मैग्नीट्यूड की बात करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? स्केलर क्वांटिटी। जैसे लेंथ मैंने लिख दिया 10 मीटर, तो यहाँ पर हम डायरेक्शन की बात नहीं करते, तो केवल उसका मैग्नीट्यूड है, उसकी मात्रा है, उसकी बात करते हैं, तो ये क्या है? स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी। तो वेक्टर क्वांटिटी क्या होती हैं? जिन क्वांटिटीज़ के अंदर मैग्नीट्यूड भी हो और डायरेक्शन भी हो, ठीक है, तो उनको बोलते वेक्टर क्वांटिटी। तो दोज क्वांटिटी विच हैव मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन इज कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटी, तो उसको बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए जैसे डिस्प्लेसमेंट है, तो डिस्प्लेसमेंट हम मान लेते हैं कि एक ऑब्जेक्ट ए से चलना शुरू करता है और बी तक जाता है,
ठीक है, तो यहाँ पर ये 10 मीटर चलता है। तो अगर हम डिस्प्लेसमेंट लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, ए बी, इसके ऊपर एक एरो का साइन लगा देंगे, ठीक है, क्या कर देंगे इसमें एरो का साइन लगा देंगे। तो एरो का साइन क्या बताएगा कि हम ए से चलना शुरू करते हैं और बी तक जाते हैं, तो कितना जाते हैं 10 मीटर, तो ये क्या है एक वेक्टर क्वांटिटी 10 मीटर, ठीक है, तो ये एक वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करता है बेटा, ठीक है, यस या नो, ठीक है बेटा। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं फॉर एग्जाम्पल डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सलेशन, फोर्स, ये सारी की सारी क्वांटिटी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी, कर लोगे बेटा इसको। इसके बाद है टेंसर्स, एक ये एक्स्ट्रा है बेटा आपके, वैसे सिलेबस में नहीं पूछा जाता लेकिन आपको पता होना चाहिए, कुछ क्वांटिटी ऐसी भी होती है जो ना तो स्केलर क्वांटिटी होंगी और ना ही वेक्टर क्वांटिटी होंगी, तो इनके पीछे रीजन क्या है उसको भी मैं अभी डिफाइन करता हूँ, ठीक है। तो उन क्वांटिटीज को क्या बोलते हैं, टेंसर्स, क्या बोलते हैं, टेंसर्स। तो टेंसर्स क्या होते हैं, दीज आर सर्टेन फिजिकल क्वांटिटी विच बिहेव नाइदर ए स्केलर नोर ए वेक्टर, जो ना तो स्केलर की तरह बिहेव करती है और ना ही वेक्टर की तरह बिहेव करती हैं, तो उन क्वांटिटीज को क्या बोलते हैं, टेंसर्स, टेंसर क्वांटिटी, ठीक है। तो अभी आप जैसे नेक्स्ट जो सिक्स्थ फिफ्थ यूनिट है हमारी, वहाँ पर पढ़ोगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है, इट मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज नॉट ए वैक्टर एज बाय चेंजिंग द सेंस ऑफ रोटेशन, कि अगर हम किसी बॉडी को रोटेट करते हैं तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते हैं, तो वो क्लॉकवाइज हो या एंटी क्लॉकवाइज हो, इट्स वैल्यू इज नॉट चेंज, तो उसकी वैल्यू एक गिवन एक्सिस के लॉन्ग फिक्स होती है, ठीक है। तो ये क्या है, वेक्टर क्वांटिटी भी नहीं बोल सकते इसको, क्योंकि उसकी डायरेक्शन चेंज करने से उसकी, ठीक है, चेंज नहीं हो रही वो क्वांटिटी। इट इज आल्सो नॉट ए स्केलर क्वांटिटी, और ना ही ये स्केलर क्वांटिटी होती है, एज इट हैज डिफरेंट वैल्यू इन डिफरेंट डायरेक्शन। और कोई भी क्वांटिटी आप देखोगे, जैसे हम डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे, रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया पढ़ेंगे, सिलेंडर का पढ़ेंगे, सॉलिड स्फीयर का पढ़ेंगे, तो आप देखोगे अलग अलग एक्सिस के अलोंग अलग अलग वैल्यू होंगी उसके मोमेंट ऑफ इनर्शिया के, ठीक है। तो ये ना ही स्केलर क्वांटिटी हुआ और ना ही वैक्टर हुआ, तो ये क्या है, टेंसर्स कहलाते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है, दैट इज फंडामेंटल एंड ड्राइव्ड यूनिट्स। तो फंडामेंटल क्वांटिटी क्या होती हैं, जैसे मास, लेंथ एंड टाइम आर कॉल्ड ए फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। तो ये फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है और इनकी जो यूनिट्स होती हैं उनको बोलते हैं फंडामेंटल यूनिट्स। जैसे मास की यूनिट क्या है, किलोग्राम, लेंथ की यूनिट क्या है, मीटर, टाइम की यूनिट क्या है, सेकेंड। तो ये जो किलोग्राम, मीटर, सेकेंड, ये क्या कहलाती है, फंडामेंटल यूनिट्स, बिकॉज दीज आर, क्योंकि ये क्या होती हैं, वेल डिफाइंड। अगर हम बात करें कोई भी फिजिकल क्वांटिटी, जैसे 10 मीटर मैंने लिख दिया, तो आप मान लिया किसी शॉपकीपर के पास जाते हो, आपने कह दिया 10 मीटर कपड़ा चाहिए, तो आप किसी भी दुकान पर जाकर बोलोगे इस इंडिया के अंदर या वर्ल्ड के अंदर, तो आपको 10 मीटर ही कपड़ा देंगे वो, ठीक है, क्योंकि आपने उसको वेल डिफाइन कर दिया कि भाई हाँ मुझे 10 मीटर चाहिए, ठीक है। तो ये वेल डिफाइंड होती है, आर नॉट सब्जेक्ट टू एनी चेंज, इनमें कोई चेंज नहीं होता, जैसे 10 मीटर है तो वो 10 मीटर ही रहेगा, ठीक है, उससे कम ज़्यादा नहीं होगा। 5 केजी की बात करें तो वो 5 केजी ही रहेगा, ठीक है, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, एक दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं करती, जैसे हम बात करें किलोग्राम है वो मीटर के ऊपर डिपेंड नहीं करता, मीटर है वो सेकेंड के ऊपर डिपेंड नहीं करता, सेकेंड है वो किलोग्राम के ऊपर डिपेंड नहीं करता, तो ये एक दूसरे के ऊपर इंडिपेंडेंट होती है। कैन ईजिली अप्लाइड एंड रिप्रोड्यूस, तो इनको काफ़ी आसानी से अप्लाई किया जा सकता है और रिप्रोड्यूस किया जा सकता है। हम 10 मीटर को मिलीमीटर में चेंज कर सकते हैं, किलोमीटर में चेंज कर सकते हैं, ओके, ठीक है बेटा। तो ये क्या है, फंडामेंटल यूनिट्स। और अब बात करते हैं ड्राइव्ड यूनिट्स की। तो ड्राइव्ड यूनिट्स क्या होती हैं, दोज यूनिट्स विच कैन बी ड्राइव्ड, जिनको ड्राइव किया जा सकता है फ्रॉम द फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी से, ठीक है, उनको बोलते हैं ड्राइव्ड यूनिट्स। तो हम इनको ड्राइव कर सकते हैं, जैसे हमें बात करनी है यूनिट ऑफ एरिया, अगर हमें एरिया की यूनिट निकालनी है तो हमें सभी को पता है एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ, लेंथ को भी मीटर में मेजर करते हैं और ब्रेड्थ को भी मीटर में, ठीक है। तो यहाँ पर मीटर इंटू मीटर, मीटर स्क्वेयर, तो हमें ये ड्राइव करनी पड़ी, हम डायरेक्ट नहीं निकाल सकते एरिया। कभी भी एरिया निकालने तो उसके लेंथ निकालोगे, फिर ब्रेड्थ निकालोगे, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, तब वो वैल्यू आती है, ठीक है। तो यहाँ पर मीटर स्क्वेयर क्या है, ड्राइव्ड यूनिट है, ये यूनिट है, ठीक है।
स्पीड क्या है, डिस्टेंस बाय टाइम। डिस्टेंस को मीटर में मेजर करते हैं, टाइम को सेकंड में, तो मीटर पर सेकंड क्या है, हमारी यूनिट है, ठीक है, ड्राइव्ड यूनिट है किसकी, स्पीड की। ऐसे ही बात करें डेंसिटी की, तो डेंसिटी क्या होता है, मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो मास को किस में मेजर करते हैं, किलोग्राम में, वॉल्यूम को मीटर क्यूब में, तो किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर क्या है, हमारी ड्राइव्ड यूनिट है। ओके बेटा, आसान है, काफ़ी आसानी से कर सकते हो बेटा, एक बार इसको बुक से ज़रूर किया करो, और मैं इस वीडियो को यूट्यूब पर अपलोड कर दूंगा, ठीक है बेटा, ओके।